हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम 12th इंग्लिश के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर को सीखने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो टॉपिक है लेटर वाला, ये 10 नंबर में पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके जो कोर्स में दो ही प्रकार के लेटर हैं बच्चों, एक तो ऑफिस लेटर, दूसरा कंप्लेन लेटर। ऑफिस यानी ऑफिशियली जो लेटर होता है, जैसे क्या है कि आपको बच्चों लिखना है, जैसे अगर हम बात करें कि मेयर साहब को, CMO साहब को या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक, तो ये ऑफिशियली लेटर होते हैं। और कंप्लेन लेटर में बच्चों क्या होते हैं कि जिसमें शिकायत की जाती है, जैसे SP साहब को लेटर लिखना है आपको, उसके बाद अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को लेटर लिखना है, या क्या है कि अपने बड़े भाई साहब को लेटर लिखना है कि घर में मोबाइल की वजह से क्या है, बहुत समस्या हो रही है, सब बच्चे बेकार हो रहे हैं, तो इस तरह के लेटर कंप्लेन लेटर में आते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर कौन से हैं जो हर एक साल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम देख लेते हैं बच्चों पहला लेटर। और जो पहला लेटर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर है, हमने पहले ही इस पर मार्क लगा दिया है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। आप अगर देखेंगे 2018 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 22 में तो ये 2-3 सेट में आया था, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इस लेटर को बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना। और आज हम जो लेटर बताएंगे, ऐसा लेटर आपको किसी भी क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा, या कहीं से भी आप मिला लीजिए, इतना सरल, इतना आसान नहीं मिलेगा। इसे एक कमजोर बच्चा भी आसानी से याद कर सकता है। चलिए टॉपिक क्या है बच्चों कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। कि राइट अ लेटर टू एडिटर, कि एडिटर यानी संपादक को ऑफ ए न्यूज़पेपर, अखबार पत्र, कि किसी अखबार पत्र के एक संपादक को एक पत्र लिखिए बच्चों अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी बारंबार कटौती ऑफ वाटर सप्लाई यानी पानी के। कि क्या करना है आपको, किसी अखबार के संपादक को एक पत्र लिखना है और बारंबार हो रही पानी के कटौती के लिए क्या करना है, उन्हें शिकायत करना है, यानी एक प्रकार से अपनी समस्या बताना है उनको। अब देखिए बच्चों, दो तरह के, 2022 में ये 2 सेट में आया था वाटर सप्लाई, और अब की बार 2023 में बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई पूछ सकता है। लेकिन डरना नहीं है, हम बताते हैं आप उसको सेकेंडों में इस पूरे टॉपिक को वाटर सप्लाई से इलेक्ट्रिक सप्लाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं बच्चों कि लिखने का जो हमारा पैटर्न होगा कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है रसगुल्लों अपना एड्रेस, ठीक है ना। सबसे पहले ये ज़रूरी है, देखिए पैटर्न चेंज हो चुका है, 10 नंबर का है, और अब तो बच्चों अगर आपने इतना भी लिख दिया ना, इतना भी केवल लिख दिया तो 2-3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है पहले से। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि भाई सेंडर एड्रेस, कि भेजने वाले का पता, तो XYZ या कोई नाम लिख दीजिए, रामपुर प्रयागराज। तो भाई ये सेंडर एड्रेस कौन भेज रहा है, यानी हम भेज रहे हैं, तो सेंडर एड्रेस बच्चों। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, एकदम सटा करके नहीं लिखना है, वहाँ पर तो सादी कॉपी मिलेगी नहीं बच्चों, तो ये हम कुछ लाइनें आपको ब्लैंक्स लाइन छोड़ देना, यानी एक लाइन दो लाइन छोड़ दे, दो नहीं एक लाइन छोड़ देना, ठीक है ना। उसके बाद डेट मेंशन करना, ठीक, डेट मेंशन करने के बाद बच्चों फिर से आप एक लाइन छोड़ देना। फिर डेट लिखने के बाद यहाँ पर रिसीवर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस का मतलब जो लेटर को रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, तो एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो द एडिटर ऑफ, जैसे अमर उजाला हम लिख दे रहे हैं बच्चों, अमर उजाला अखबार पत्र के एडिटर को लिख रहे हैं प्रयागराज, यहाँ एड्रेस लिख दीजिए। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़िए, सब्जेक्ट मेंशन करिए, और सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है, केवल मेन पॉइंट, आपकी समस्या क्या है, तो भाई प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, कि पानी की क्या है समस्या है। तो सब्जेक्ट में बस 2-3 से यहाँ शब्द ही लिखने होते हैं, पूरा छापना नहीं होता है, तो इतना लिखेंगे। अब उसके बाद बच्चों जस्टिस के नीचे लिखना है डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, ठीक ना, कुछ भी लिख दीजिए। चलिए अब उसके बाद आपको जस्ट यहाँ से, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं अभी हम बताते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती यहाँ से करते हैं, इसी के नीचे से छापना शुरू कर देते हैं, जो एक गलत तरीका है। आपको करना क्या है, डियर सर लिख दिया, फिर आपको इसी के जस्ट नीचे, एक यहाँ से इसी के जस्ट नीचे क्या करना बच्चों, एक लाइन छोड़ करके स्टार्ट करना है यहाँ से, ठीक है ना। चलिए
कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। हम इसका हिंदी में भी आपको अनुवाद करके बताएंगे। लिखेंगे बच्चों कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ रामपुर, कि मैं रामपुर का एक निवासी हूँ, ठीक है ना। और प्रयागराज, यानी मैं प्रयागराज के रामपुर का एक निवासी हूँ। आप कोई भी एड्रेस मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर आगे लिखेंगे आई एम राइटिंग ए लेटर टू सो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, कि आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ टू सो यू, आपको दिखाने के लिए प्रॉब्लम्स यानी समस्या, कि मैं आपको यह पत्र एक समस्या दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और कौन सी समस्या, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी बारंबार हो रही, यानी बार बार पानी की कटौती इन अवर लोकेलिटी, यानी हमारे एरिया में, कि मैं यह पत्र क्या है अपने एरिया में बार बार, ठीक, फ्रिक्वेंट मतलब होता है बच्चों, फ्रिक्वेंट का मतलब बार बार, ब्रेकडाउन यानी कटना, वाटर सप्लाई यानी पानी की, तो मैं अपने एरिया में बार बार पानी की कटौती के समस्या को दिखाने के लिए आपको यह पत्र लिख रहा हूँ। आगे लिखेंगे बच्चों कि वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हैं। People has to face many difficulties due to frequent breakdown of water supply. People कह रहा है has to face, लोगों को क्या है सामना करना पड़ रहा है many difficulties यानी बहुत सारी कठिनाइयों का, due to frequent breakdown यानी बारंबार कटौती से of water supply यानी पानी के। और क्या हो रहा है बच्चों कि लोगों को पानी के बार बार कटौती होने से क्या है बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आगे लिखेंगे बच्चों कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ यू टू, कि आप क्या करिए पब्लिश यानी इस चीज़ को उजागर करिए दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को इन योर न्यूज़पेपर, अपने अखबार पत्र में, कि मैं चाहता हूँ कि आप इस समस्या को अपने अखबार पत्र में क्या करिए बच्चों, आप अपने न्यूज़पेपर में उजागर करिए। सो देखिए सो, ताकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हैं जल्द ही कोई क्या है एक्शन ले सकें। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, और आई शैल बी ईगरली वेटिंग, कि मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा फॉर द एक्शन टू बी टेकन, कि जल्द ही कोई एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना, कि मैं बेसब्री से इस चीज़ को इंतजार करूंगा कि जल्द ही कोई एक्शन लिया जाए। फिर आप नीचे मेंशन कर देना बच्चों थैंक यू, और उसके बाद योर्स सिंसियरली एक्स वाई जेड। अगर इस तरह से बच्चों आप लेटर लिखेंगे तो यकीनन आपको 10 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 10 नंबर बहुत होते हैं, तो इसलिए इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए यहां से पहला हो गया, अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा लेटर। चलिए दूसरा लेटर क्या है बच्चों, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, कि क्या करना है अपने प्रधानाचार्य यानी अपने क्या कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, और टू कंप्लेन यानी शिकायत करना है, अगेंस्ट का मतलब देखिए अगेंस्ट का मतलब के तहत, शॉर्टेज ऑफ बुक्स यानी किताबों का क्या है कमी है, ठीक है ना, किताबों की कमी के प्रति क्या है आपको एक कंप्लेंट शिकायत पत्र लिखना है इन योर कॉलेज लाइब्रेरी यानी आपके कॉलेज के लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में। तो आपके क्या है कॉलेज के पुस्तकालय में किताबों की कमी के संबंध में आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है। अब देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, इसमें भी वही करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए इसको तो जो लिखने का तरीका है वो दो तरीके से लिख सकते हैं कि टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, लेकिन बच्चों इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप अगर इस तरह से इसको भी मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर सब में, अगर आपको नहीं पता कि टू द प्रिंसिपल लिखना है कैसे लिखना है, वो तरीका नहीं मालूम बच्चों, तो सब में केवल एक तरीका फॉलो करिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सेंडर एड्रेस, सेंडर एड्रेस यानी भेजने वाले का पता, ठीक है ना, तो श्याम कुमार प्रयागराज। फिर हमने बताया बच्चों कि करना क्या है आपको, एक लाइन यहाँ से, ठीक है ना, ये ब्लैंक्स लाइन आपको एक लाइन छोड़ देना है। फिर लिखेंगे बच्चों डेट, ठीक, डेट मेंशन करेंगे, यहाँ से एक लाइन छोड़ दीजिए। फिर लिखेंगे रिसीवर एड्रेस यानी क्या कौन पत्र को प्राप्त कर रहा है, तो भाई द प्रिंसिपल ऑफ
देवा, यहाँ से लिखा है हमने देवा विद्यालय प्रयागराज की, देवा विद्यालय प्रयागराज के प्रिंसिपल को। फिर एक लाइन बच्चों छोड़ करके लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है बच्चों, तो विषय है क्या, शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी। सब्जेक्ट का मतलब बच्चों आपकी समस्या क्या है, समस्या क्या है कि भाई समस्या हमें ये है कि शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, कि कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों की कमी है, ये हमारी समस्या है। अब नीचे लिखेंगे बच्चों रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ठीक है ना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल लिखेंगे। और उसके बाद देखिए थोड़ा लंबा था इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिखते तो जगह बहुत कम पड़ जाती, इसलिए बच्चों थोड़ा इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं इतना लंबा है, लेकिन आप यहाँ से मत स्टार्ट करना, बस इतना ही कहेंगे, इधर आप एक इतना लाइन छोड़, यानी इतनी जगह बच्चों आपको छोड़ना ही है, ठीक है ना। देखिए रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, अब क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूँ, माई नेम इज श्याम कुमार फ्रॉम 12th A, कि मेरा नाम श्याम कुमार है और मैं कक्षा 12A का छात्र हूँ, और आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, कि मैं यह पत्र आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ दैट कि वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, कि हम अनुभव कर रहे हैं शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक, यानी किताबों की नए, मतलब नई किताबों के संस्करण की कमी, कि हम नए, देखिए लेटेस्ट का मतलब नए, शॉर्टेज यानी कमी, एडिशन का मतलब मतलब एक क्या होता है, ग्रुप्स होता है आप बुक्स यानी किताबों का, तो हम नई किताबों के एक संस्करण का मतलब की कमी का महसूस कर रहे हैं, इनकी कमी को हम महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना, इन कॉलेज लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में। क्या कहना है बच्चों कि मैं यह पत्र आपको ये बताने के लिए लिख रहा हूँ कि मुझे अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों के नए संस्करण की कमी का अनुभव हो रहा है या नहीं, महसूस हम कर रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि वी कैन नॉट रीड वेल, कि हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी हम ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। फिर आगे लिखेंगे कि इट वुड बी रियली ग्रेट, कि ये बहुत ही अच्छा होगा, इफ देयर वुड बी एन अ बुक इन लाइब्रेरी, कि यदि क्या है लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें होंगी, यह बहुत अच्छा होगा बच्चों, इसमें यही लिखना है कि यह बहुत ही बढ़िया होगा यदि देयर वुड बी एन अ बुक इन लाइब्रेरी, कि यदि पुस्तकालय में ढेर सारी किताबें होंगी, सो ताकि वी कैन अपग्रेड अवर नॉलेज, ताकि हम अपने ज्ञान को और भी क्या बूस्ट कर सकें, यानी अपग्रेड कर सकें, यानी बढ़ा सकें। आगे लिखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर, कि क्या है कि मैं इस मैटर यानी इस मामले के बारे में आपके सकारात्मक विचार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ठीक है ना। फिर लिखेंगे योर्स सिंसियरली एक्स वाई जेड 12th A, इस तरह से आप यहाँ पर आप ठीक है ना लिख देंगे, तो इस तरह से लिखने से बच्चों आपके पूरे 10 नंबर श्योर हैं, कोई नहीं ले सकता। तो चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा लेटर क्या है। तीसरा जो लेटर है वो ये है कि राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। देखिए क्या कह रहा बच्चों, कह रहा है कि राइट अ लेटर टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए ऑफ योर सिटी अपनी अपने शहर के, रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे क्या है आपको मतलब विनम्रता के साथ यानी उनसे रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, टू इम्प्रूव यानी बढ़ाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था, सिचुएशन माने स्थिति इन योर एरिया आपके शहर मतलब आपके इलाके में, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अपने शहर के पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखिए और उनसे कहिए कि अपने एरिया में कानून व्यवस्था को क्या करें, थोड़ा और इम्प्रूव करें और बढ़ा दें, कि मतलब क्या है कानून व्यवस्था कि भाई बिगड़ चुकी है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत सारे जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, हमारा पैटर्न जो है सेम होगा, क्या करेंगे सबसे पहले हमने बताया लिखना क्या है, सेंडर एड्रेस, तो भाई साहब एक्स वाई जेड मऊआइमा प्रयागराज, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर, इस कोई मैटर नहीं करता, ठीक ना। तो यहाँ पर आपने लिख दिया सेंडर एड्रेस, फिर बच्चों क्या करना है, ब्लैंक
लाइन, ठीक ना। हमने कहा ना कि एक लाइन छोड़ देना है, देन आप डेट मेंशन करिए तारीख लिखने के बाद। बच्चों फिर से आपको एक लाइन छोड़ देना है, वहाँ डैश नहीं करना, ये केवल समझा रहे हैं आपको, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस, यानी जो आपके लेटर को रिसीव कर रहा है कौन कर रहे हैं, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रयागराज। फिर एक लाइन छोड़ करके बच्चों लिखना है सब्जेक्ट, विषय क्या है हमारा, हमारी समस्या क्या है। तो समस्या क्या है रसगुल्लों, समस्या ये है कि क्या है, कानून व्यवस्था को सुधारना है, यानी वहाँ पर क्या है काम गलत हो रहे हैं, तो टू इम्प्रूव लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कानून व्यवस्था, तो क्या है कानून व्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक, या कानून व्यवस्था को सुधारना। चलिए अब लिखेंगे बच्चों यहाँ से रिक्वेस्टेड, मतलब सॉरी रिस्पेक्टेड सर, ठीक, रिस्पेक्टेड सर यहाँ से लिखेंगे, और उसके बाद हमने बताया ना यहाँ सीधे से नहीं लिखना, और फिर से बता देते हैं, अगर आपने केवल इतना इतना ही लिख दिया बच्चों तो 2 से 3 नंबर आपके मिल गए, लेकिन हमें बस संतुष्ट यही नहीं होना है, बिना 10 नंबर लिए हमें संतुष्ट नहीं होना है। चलिए यहां पर अब क्या लिखेंगे कि रिस्पेक्टेड सर, अब ध्यान से समझना एक एक वर्ड्स को, कि आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड अटेंशन टू वार्ड माई एरिया। आई वुड लाइक, मैं क्या, देखिए आई वुड लाइक टू ब्रिंग कि मैं खींचना चाहूंगा योर अटेंशन, काइंड अटेंशन यानी आपका ध्यान, टू वार्ड माने की तरफ, माई एरिया मतलब अपने एरिया, तो मैं आपका ध्यान अपने एरिया की ओर खींचना चाहूँगा, द कंडीशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की व्यवस्था की जो स्थिति है इन माई सिटी यानी मेरे शहर में, इज गोइंग डाउन डे बाई डे यानी दिन प्रतिदिन बिगड़ रही है। गोइंग डाउन का मतलब बेकार हो रही है यानी बदतर हो रही है, तो क्या है कि हमारे जो एरिया में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वो डे बाय डे यानी दिन प्रतिदिन वो बिगड़ रही है। आगे लिखेंगे कि सिविल लाइंस हैज बिकम ए सेंटर ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। सिविल लाइंस हैज बिकम यानी सिविल लाइंस बन चुका है, देखिए हर एक शहर में सिविल लाइंस होता है, आप सबको पता है कि सिविल लाइंस हैज बिकम बन गया है ए सेंटर यानी एक केंद्र ऑफ इलीगल एक्टिविटीज, कि सिविल लाइंस जो है वो क्या है, इलीगल का मतलब क्या है, देखिए आपराधिक घटनाओं का या आपराधिक क्रियाकलापों का एक केंद्र बन गया है। देखिए लीगल का मतलब कानूनी, इलीगल यानी गैर कानूनी, तो गैर कानूनी क्रियाकलाप का एक केंद्र बन चुका है कौन, सिविल लाइंस, ठीक है ना। यानी सिविल लाइंस में क्या है, बहुत सारे गलत काम होते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होना चाहिए। फिर आया गया कि नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, ठीक ना, नियर, देखिए नियर गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज कि जो राजकीय बालिका विद्यालय, नियर माने पास, कहाँ पर, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज यानी राजकीय, ठीक है ना, अगर हम बात करें गर्ल इंटर कॉलेज के पास अनसोशियल एलिमेंट्स मतलब असामाजिक तत्व असेंबल माने इकट्ठा होते हैं, जिसको वेगा बॉन्ड कहते हैं बच्चों, जो घुमक्कड़ और आवारा किस्म के होते हैं ना, तो वो क्या है, अनसोशियल एलिमेंट्स असेंबल का मतलब आप असामाजिक तत्व तो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, एंड सिंग वेलगर सॉन्ग और क्या है, बहुत ही गंदे गाने गाने मतलब गाने गाते हैं, है ना। देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ आसपास बहुत सारे क्या हैं, बेवड़े होते हैं, शराबी हैं, और उसके बाद अय्याशी करने वाले होते हैं, कि लड़कियों को देख कर उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, गंदे गाने गाते हैं, तो वही कह रहा है कि गर्ल इंटर कॉलेज के पास में क्या है, आप देखिए असामाजिक तत्व का मतलब वही, वेगा बॉन्ड का मतलब जो घुमक्कड़ होते हैं आवारा, असेंबल का मतलब इकट्ठा हो जाते हैं, एंड सिंग वल्गर सॉन्ग और गंदे गाने गाते हैं। आई देयर फॉर, इसलिए देखिए आई माने मैं, इसलिए देयर फॉर यानी इसलिए, रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, टू टेक इमीडिएट एक्शन टू कर्ब इट, इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि जल्द ही कोई एक्शन ले, टू कर्ब इट का मतलब इसे शांत करने के लिए, कर्ब मतलब कंट्रोल करना होता है बच्चों, कि इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि जल्द ही कोई एक्शन लें और इसे शांत कर दें, यानी इसे क्या करें, सुधारें। फिर आएगा कि पीपल ऑफ एरिया विल बी हाईली ओबलाइज टू यू, यानी जो शहर के यानी हमारे जो एरिया के लोग हैं वो सदा आपके क्या हैं, ऋणी रहेंगे, ठीक। तो ये यहाँ से इस तरह से बच्चों आप बहुत ही सिंपल तरीके से एक लेटर लिख सकते हैं, लिखेंगे फिर योर्स सिंसियरली एक्स वाई जेड, यहाँ पर थैंक यू लिखना चाहते हैं मेंशन कर दीजिए, और बाकी
ये तो बच्चों तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटर, इसके अलावा एक चौथा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसे हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर राइट अ लेटर टू नगर निगम करके आता है या राइट अ लेटर टू मेयर करके आता है बच्चों, तो उस लेटर को भी हम डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक डाल दे रहे हैं, वहाँ से देख लीजिए। बाकी इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।